ऐसा आइलैंड भी है जहाँ सिर्फ गुड़ियों का राज चलता है। रात के वीरानों में इस आइलैंड में पर्यटक ठहरने से डरते हैं। अपनी इसी खासियत की वजह से इस आइलैंड को डॉल्स आइलैंड कहा जाता है। ये रहस्यमय जगह मेक्सिको से दक्षिण योचिमिको कनाल के बीच ला इस्ला डेला म्यूनिकस पर स्थित है। यहाँ आपको कई डरावनी गुड़िया पेड़ों पर लटकी हुई दिखेगी। अक्सर यहाँ पर कई रहस्यमय घटनाएं होती रहती है जिनका जिक्र इस जगह पर रहने वाले स्थानीय लोग करते हैं। हालांकि ये आइलैंड अब एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। इस डरावनी जगह को देखने के लिए दूर दूर से कई पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो ये गुड़िया आपस में एक दूसरे के साथ कानाफूसी करती है, रहस्यमय ढंग से अपनी आंखों को हिलाती है, जिन्हें देखने के बाद कोई भी व्यक्ति आसानी से डर सकता है। इसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं मेक्सिको के इस हॉन्टेड आइलैंड के बारे में। गौरतलब बात यह है कि आइलैंड पहले कभी ऐसा नहीं था। कुछ सालों पहले इस आइलैंड की गिनती भी नॉर्मल आइलैंड में की जाती। अचानक 2001 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस जगह को हॉन्टेड आइलैंड में बदल दिया। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो साल 2001 में डॉन जूलियन इस जगह का केयर टेकर हुआ करता था। अचानक साल 2001 में डॉन जूलियन की मौत हो गई। तब से इस स्थान की गिनती डरावनी जगहों में की जाती। स्थानीय लोगों की माने तो आइलैंड पर टंगी इन गुड़िया में एक बच्ची की आत्मा है। उनके मुताबिक कुछ वर्षों पहले एक लड़की की तैरती हुई लाश डॉन जूलियन को मिली थी। हालांकि उस दौरान लड़की की मृत्यु नहीं हुई थी। डॉन जूलियन ने लड़की को बचाने की काफी कोशिश की पर वह उसको बचा नहीं सका। बच्ची की मौत के कुछ समय बाद एक गुड़िया की लाश बहती हुई आई। डॉन जूलियन ने इस गुड़िया को बच्ची समझकर उसे वहीं पर बांधकर लटका दिया जहां पर उस बच्ची की मौत हुई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार उस घटना के बाद डॉन जूलियन को कई गुड़िया और मिलती रही। राजीव टाइम्स के पेज को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।